अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो इसे जल्द से जल्द लिंक करा लीजिए। ये आखिरी मौका है जब आप अपने पैन कार्ड को रद्दी होने से बचा सकते हैं। जी हाँ, पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। अगर आप भी 30 सितंबर से पहले अपना पैन और आधार लिंक नहीं करते हैं तो इसके बाद आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय करार दिया जाएगा। आधार कार्ड देश के हर आदमी की पहचान हो चुका है और इसके बगैर हर काम बहुत मुश्किल है। ज्यादातर हर डॉक्यूमेंट को आधार के साथ जोड़ा जा रहा है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आम आदमी के तमाम काम रुक जाएंगे। अगर आपने भी अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपको भविष्य में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन के साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2019 है। इसके बाद लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। 30 सितंबर के बाद आपका पैन कार्ड मान्य नहीं होगा या आपकी किसी काम नहीं आ सकेगा। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसे अमान्य करार कर देगा। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप अपने पैन और आधार नहीं लिंक कराएंगे तो आपका पैन कार्ड काम नहीं करेगा। पैन कार्ड जरूरी दस्तावेजों में से एक है, ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि समय रहते इसे पूरा कर ले। आयकर विभाग की तरफ से आधार को पैन से जोड़ने को अनिवार्य किया गया है और अब सारी बात ये है कि अगर इतने दिनों में आधार को पैन से नहीं जोड़ा गया तो क्या होगा। तो चलिए आपको बता दें कि अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो काफी परेशानी हो सकती है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139A के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन ITR फाइल करना मुश्किल होगा, आपका टैक्स रिफंड फंस जाएगा। साथ ही किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि पैन कार्ड से आधार कार्ड को कैसे लिंक करें। सबसे पहले आपको www.incometaxindiafiling.gov.in साइट पर विजिट करना होगा। यहाँ पर आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। एक नया विंडो खुल जाएगा। इस विंडो में अपना आधार नंबर, पैन नंबर, नाम, कैप्चा कोड भरें। इसके बाद लिंक आधार पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। आपको SMS के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 567678 या 56161 पर SMS भेजकर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च को एक अधिसूचना जारी करते हुए पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ना जरूरी बताया था। सरकार के नियम के मुताबिक उन व्यक्तियों को जिनके पास पैन कार्ड है उन्हें पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।